हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो बताता हूँ कि अपन ने अप्रैल SR150 में क्या क्या काम करवाए, क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा क्या क्या चीज़ चेंज करवाई है और आपको भी क्या क्या चेंज करवाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को समझ में जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। हाँ तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ अभी अपन ने इसमें क्या क्या काम करवाए अभी तक में। तो गाइस, स्टार्ट करता हूँ मैं आपको बताना। तो गाइस, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे दो फॉग लाइट लगाए हैं, ठीक है, और ये बढ़िया से वर्क करते हैं। आप मेरी रिसेंटली वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा ये कैसे काम करते हैं। बाकी अभी गाड़ी को बहुत दिन से अपन ने वॉश नहीं कराया, मतलब धुलवाया नहीं है, ठीक है, और क्या क्या चेंज कराया है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये अपना अभी नया सिस्टम लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो स्पीडोमीटर का वायर, क्योंकि ये सब बंद हो गया था। मैं आपको ये सब चीज़ों की कॉस्टिंग भी बताऊंगा कितनी क्या हुई है। बाकी अभी डिस्क पेड चेंज कराना बाकी है। बाकी आप देख रहे हो ये वायर यहाँ पे लटक रहे हैं, मतलब यहाँ पे, तो इनकी सेटिंग होगी, इनको मैं बढ़िया से सेट कर दूंगा, ठीक है, आप लोग को भी बताने के लिए। बाकी अभी अपन ने अपनी जो स्कूटी है उसको वॉश नहीं कराया है, बिल्कुल गंदी पड़ी है 2-3 महीने से, ठीक है। और क्या क्या काम करवाया है ये भी बताता हूँ। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अप्रैल में बहुत से लोग की गाड़ियों की चोक बंद रहता है, तो अभी अपनी गाड़ी का अपन ने देखो तो चोक भी सही करवा ली है, ठीक है, और अब ये प्रॉपर वर्क भी कर रही है, ठीक है। अगर मैं स्कूटी पे स्टार्ट करूँ तो गाइस, ये देखो स्कूटी मैंने स्टार्ट कर ली, और अगर मैं अभी चोक को खोलूँगा तो देखो चोक वर्क करने लगी है, ठीक है, इसको वापस से लगा देते। तो गाइस, ये चोक वायर भी चेंज किया है। तो गाइस, अपन ने फाइनली चोक वायर का भी सिस्टम कर दिया है, तो अब चोक भी बढ़िया से प्रॉपर काम कर रहा है। और गाइस, इसकी वीडियो भी थोड़े दिन में जल्दी आ जाएगी मेरे चैनल पे कि चोक वायर को कैसे लगाना है। बाकी स्पीडोमीटर का वायर भी लगा दिया है, और अपना स्पीडोमीटर जो है अब वर्क करने लगा है, क्योंकि ये बंद हो गया था गाइस। तो इसकी प्रॉपर वीडियो डालूंगा मैं, कैसा लगाया था कैसे नहीं। और बात करें और क्या क्या करवाया है, तो जो फ्रंट वाले अपने सस्पेंशन है इसका भी काम कराया है। ये लीकेज नहीं थे, लेकिन क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे, तो इसकी भी ऑयल सील और ऑयल पूरा कंप्लीट चेंज करवाया अपन ने। बाकी अभी डिस्क पेड को चेंज कराना है, क्योंकि अभी डिस्क पेड डाली नहीं मैंने, मंगवाए मैंने, ये डिस्क पेड भी चेंज करवाऊँगा। बाकी यहाँ पे जो रबर होती है, ठीक है, ये आप देख लोगे, ये रबर भी चेंज कराइए। और इधर क्या बोलते हैं, अपना यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे आपको ये बूथ दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे ये जो बूथ है, ये बूथ भी चेंज कराए हैं, ठीक है। और बात करें आए इसके, गाइस जो झूला होता है जिसे स्विंग आर्म कहते हैं, जो इधर नीचे होता है गाइस, आप लोग को अगर दिखेगा तो ये देख रहे हो आप, ये गाइस टूट गया था, तो इसको वेल्ड भी कराया प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ से आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा, और आप इधर एक बार यहाँ बूस रहते हैं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा साइलेंसर गरम है, यहाँ पे आपको फिंगर दिखा रहा हूँ, ये यहाँ के बूस भी चेंज कराए। और जो गाइस इसके जो बूस है, ये सब बूस हो गया, और जो फ्रंट का जो आप स्पीडोमीटर का सिस्टम देख रहे हो, स्पीडोमीटर और इसका वायर, ये सब गाइस ऑनलाइन परचेज किया है अपन ने spareify.com से, क्योंकि ये मिल नहीं रहे थे, ठीक है। हाँ तो गाइस, आपको बता रहा था कि ये मिल नहीं रहते, तो spareify.com से मंगवाए अपन ने, वहाँ पे ये पूरा प्रॉपर मिल गए। बाकी कोई जो वेबसाइट के बारे में आपको बता रहा हूँ, कोई इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी उसी से मैंने सामान मंगवाया, क्योंकि जो हमारे इधर भोपाल में सर्विस सेंटर है अप्रैल का, वो बंद हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए ऑनलाइन ही बहुत सारे सामान मंगवाए। तो मैं आपको कॉस्टिंग बता देता हूँ। तो गाइस, जो स्पीडोमीटर ये आप देख सकते हो, ये स्पीडोमीटर का सिस्टम, ये और ये वायर अलग अलग आया था, तो गाइस ये समझ लो ये 400 रुपये का है, ठीक है, कॉस्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको। और जो बूस मंगवाए थे गाइस, बूस भी 350 रुपये के बूस है। बाकी गाइस, अपन बात कर रहे थे बूस की, तो गाइस बूस की जो प्राइस है वो 350 रुपये के थे, लेकिन इसको लगाने में बहुत प्रॉब्लम गई है गाइस, तो इसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा इसको लगाए कैसे थे। तो गाइज़, इसको ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा ध्यान से, मैं अगर आपको यहाँ पे फिंगर, क्योंकि ये साइलेंसर गर्म है, ये देख लो यहाँ पे फिंगर लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखो बहुत गर्म है। तो गाइज़, इसको निकालने के लिए गेस वेल्डिंग से पूरे बूस निकाले थे ओल्ड वाले, क्योंकि वो फंस गए थे इसमें और लॉक हो गए थे,
उसको निकालो और ये जो अपना स्विंग आर्म है इसको ये दो तीन जगह से क्रैक हो गया था तो उसमें वेल्डिंग करवाइए। बाकी ये प्रॉपर सेट है तो बूस्ट तो अपने 350 रुपये का आए थे लेकिन जो स्विंग आर्म और ये जो मैकेनिक ने जो काम किया उनने पूरे 700-800 रुपये ले लिए और 350 रुपये के बूस्ट। ठीक है, बाइक की बात करें चोक वायर की तो चोक वायर अपना आया था जो यहाँ पे है ये भी कुछ 250 रुपये के समथिंग आया था, ये भी ऑनलाइन बाय किया था। बाकी जो डिलीवरी चार्जेस के साथ में 350 रुपये का वो भी पड़ गया था। ठीक है, क्योंकि हमारे इधर सर्विस सेंटर नहीं तो मिल नहीं पाता सामान, तो इसमें टोटल क्या बोलते अपने 350 प्लस शायद 800 रुपये लिए थे मैकेनिक ने, क्योंकि ये सब वेल्डिंग हुई थी इसमें और पूरा खोला था इसमें। बाकी ये जो काम है ये अपन ने घर पर किया था, स्पीडोमीटर का वायर ये सब चेंज किया था। ठीक है, इसकी प्रॉपर वीडियो मैं अलग से डालूंगा। बाकी फॉग लाइट भी अपन ने घर पे इंस्टॉल करे थे। ठीक है, ये सब बाहर नहीं कराए काम। फॉग लाइट 200 रुपये के हैं दोनों साइड के और ये ओरिजिनल ही है, लोकल है, मतलब जब तक चल जाए चल जाए। ठीक है, और बाकी बात करें बाकी पूरे टोटल कॉस्टिंग की बात करें तो समथिंग 3000 रुपये का खर्चा हो चुका है। ठीक है, अगर हर चीज़ मिलाए तो 3000 रुपये लगे। बाकी गाड़ी अब प्रॉपर चल रही है। ठीक है, बाकी इंजन में तो खैर कोई काम नहीं है, बाकी प्रॉपर 3000 रुपये लग गए हैं। बाकी गाड़ी सही हो गई, मतलब इकट्ठे नहीं लगे, जब जब जैसा जैसा काम करवाया है टोटल उसके हिसाब से लगे हुए। ठीक है, तो अगर आपको ये स्कूटी लेनी है अप्रैला तो आप ले सकते हो, सेकेंड हैंड भी ले सकते हो और नई भी ले सकते हो। बाकी थोड़ी आपको प्रॉब्लम जाएगी इसका काम करवाने में और पार्ट्स अरेंज करने में। बाकी हमारे भोपाल में इसका सर्विस सेंटर है नहीं तो इसका आफ्टर मार्केट सामान नहीं मिलता है। बाकी जो सस्पेंशन का काम है वो आप बाहर भी हो जाएगा। बाकी जैसे आपको अगर ये कुछ इसमें काम है या आपको ये सेंसर चाहिए स्पीडोमीटर और ये वायर तो ये सब हमारे इधर नहीं मिल पाता है तो ऑनलाइन बाय कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं अगर आपके इधर नहीं मिलता है तो। ठीक है, बाकी अब स्कूटी प्रॉपर चल रही है। बाकी ये सस्पेंशन भी चेंज हुआ है, ठीक है, जो आप देख रहे हो। ठीक है, तो यही है गाइस जो आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई। बाकी ये ज़रूर चेंज करवाएंगे फेयरिंग, क्योंकि ये यहाँ से देख सकते हो आप गेप है, क्योंकि इसके यहाँ पे जो लॉक होते हैं जो इसका सिस्टम बना हुआ रहता है जिसमें बोल्ट लगते हैं ये सब टूट चुके हैं। ठीक है, तो ये भी नए डलवाएंगे। बाकी स्पीडोमीटर अपना चालू हो गया क्योंकि ये बंद था बहुत दिन से। बाकी एक दिन इसकी मैं प्रॉपर माइलेज वाली वीडियो भी बनाऊंगा कि कितना माइलेज देती है और इसको भी अपन चेंज करेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा क्रैक है। ठीक है, तो इतना ही था गाइस इस वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है।